लुनेजगांव में आज सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत स्मोक फ्री लुनेजगांव का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्घाटन ओएनजीसी ऑफिसर्स महिला समिति के मुख्य संरक्षक मिसिस सुषमा सहाय के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट का शुभारंभ कार्यक्रम लुनेज पंचायत दफ्तर में रखा गया था। इस कार्यक्रम के तहत ओएनजीसी ऑफिसर्स महिला समिति के प्रेसिडेंट किरण तिवारी भी मौजूद रहे थे। लुनेज गांव के सरपंच मनुभाई भी खास तौर पर उपस्थित रहे थे। लुनेज गांव में पहले चरण के तहत 150 घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। ओएनजीसी का मुख्य उद्देश्य यह सुविधा आसपास के हर एक गांव में देने का है। कुछ ही समय में दूसरे चरण के तहत बाकी के शेष गांवों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे गांव की महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। हमारा गांव ने अंदर वो गैस का कनेक्शन आप ओएनजीसी है, वो पहला लकड़ी थी चलता था। इधर 300 घर है गांव ने अंदर, 300 को सभी सगड़ी वर वो गैस का लाइन कनेक्शन आप दोनों की आप ओएनजीसी धन्यवाद आपको ओएनजीसी की बात हो। और वो लकड़ी पर खाना चला था तो वो लेडे से ना आधा था थी, देखा था नहीं है, वो रसोड़ा में काला थता है, सभी प्रॉब्लम तो होती है, वो गैस की आया था तो फायदा थता है। आज यहाँ पे लुनेज विलेज को हम स्मोक फ्री करना चाहते थे, तो उसके लिए जीएसपीसी गुजरात गैस के साथ मिल करके हमने 150 कनेक्शन यहाँ दे दिए हैं। टोटल 300 विलेजेस हैं, तो बाकी जो 150 कनेक्शंस नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने चीफ पैटर्न ओम्स मैडम सुषमा सहाय जी को बुलाया था, तो वो आई हैं। उन्होंने पहला जो चूल्हा है उसको इन्होंने शुरू किया है, उसके साथ ही साथ उन्होंने जो इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया है जो पंचायत ऑफिस में सिचुएटेड है। तो इस तरह से हमारी इच्छा है कि बाकी विलेजेस जो हमारे ऑपरेशनल एरिया के पास हैं वो भी धीरे धीरे स्मोक फ्री हो जाए। तो इससे जो हमारे सोसाइटी में स्पेशली लेडीज़ के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ के सरपंच मनु भाई ने भी काफ़ी सहायता की है, तो हमने उनसे यही प्रॉमिस लिया है आगे से कोशिश करेंगे जिस रूम जिस जिस गाँव में और जिस घर में इस तरह के कनेक्शन हो वो उपला यूज़ नहीं करें जो गोबर का होता है, और साथ ही साथ वो लोग लकड़ी यूज़ नहीं करें। इसके कारण जैसा वो पहले बताते थे कि काफ़ी औरतों के आँख में आँख प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो फ्यूचर में ये अच्छा प्रोजेक्ट है मुझे लगता है। इसमें गांव की औरतों को काफ़ी बेनिफिट होगा, उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल। तो हमने इनको यही पूछा है कि भाई वी विल विजिट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो एंड विल सी दैट एवरी हाउस होल्ड इज़ यूजिंग दिस। इट इज़ नॉट ओनली दैट, इसके बाद भी अगर वो लकड़ी यूज़ करेंगे तो इस प्रोजेक्ट की यूजफुलनेस कम हो जाएगी। सर इसके अलावा क्या क्या गांव में आपने अभी तक 60 साल में ओएनजीसी में? नहीं, 60 साल में जैसे ओएनजीसी तो देखिए लास्ट यहाँ से हुआ था। हाँ, लुनेज का शुरुआत हुआ था, तो लुनेज के लिए अभी ये तो एटलीस्ट इस तरह का सस्टेनेबल जो जॉब फील्ड पहला ही है जो कि जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा हमने डिमांड की है, तो डस्ट फ्री की गांव ने डिमांड की है, वो डिमांड अभी तक मेरे पास आई नहीं है। अच्छा, आपके पास मेरे पास आई नहीं आज है। आई आप हमारे पास। अगर जैसा भी होगा, क्योंकि ओएनजीसी एवरी ईयर लास्ट ईयर ओएनजीसी आल्सो हैज स्पेंट अराउंड 500 करोड़ सीएसआर एंड दिस इज स्प्रेडेबल। उसमें आपके खंभात डिवीजन ने कितना खर्च किया? खंभात डिवीजन में लास्ट ईयर हमने करीब 4 करोड़ खर्च किया था, इस साल हम 5 करोड़ का प्लान कर रहे हैं खंभात डिवीजन में। तो अभी 150 जो बाकी है उनको कब तक आप कर देंगे सर? 150 का हमने तो गुजरात गैस का जो गुजरात गैस वाले बोल रहे हैं कि कुछ पेमेंट से बाकी आपकी ओर से, इसलिए गुजरात नहीं पेमेंट तो देखिए जो भी प्रोसेस है फेज वाइज जैसे जैसे बिल देंगे वैसे वैसे पेमेंट होता है। और नेक्स्ट फेज के लिए एटलीस्ट गुजरात गैस का जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है।